ओके मैं जब आप क्राइम की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ द फाइव सर्टेनिटीज, जिना थाने जाए आपका अपराध का पंजीयन हो थ्रू द डिजिटल प्रोसेस, क्योंकि थाने में तो आपकी एफआईआर दर्ज होगी नहीं, ठीक है ना? जी जी जी। दूसरा है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। जी जी। पुलिस के सबसे ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर जिसका दिमाग ऊपर का शायद ना भी चलता हो तो भी चलेगा, बैक एंड इंजन विल मेक इट श्योर दैट नॉट ना केवल जो है ना सभी ऑफेंसेस डिटेक्ट हो जाए जी, बल्कि उनके इविडेंस जहां कहीं भी वो बैठे हों उनको कैप्चर करके और डेट टाइम और लोकेशन के साथ स्टैम्प करके उसको ऑलमोस्ट मेकिंग इट इनफेल्युबल इन द आईज ऑफ लॉ। फिर तीसरा है कि कोर्ट की मदद करके इंश्योरिंग कन्विक्शन विद इन 15 डेज, सो राउंड द क्लॉक कोर्ट चलेंगे एंड नोबडी नीड टू गो टू कोर्ट, सो कोर्ट विल बी वर्चुअल कोर्ट, कोर्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, ठीक है। देन जो है इसका फोर्थ डायमेंशन है द सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन, तो उसमें इतना पीछे एनालिटिक्स चलेगा कि वी वुड बी इन पोजिशन टू आइडेंटिफाई कि कोई व्यक्ति जो अपराध करना चाह रहा है वो अपराध करने की नियत से निकला है, उसके साथ में कौन है, वो किस वाहन से निकला है, एंड देन स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस विल इंटरवीन। जी, जैसे जैसे जो है ना टाइम गुजरेगा उसके पास डाटा एक्युमुलेशन बढ़ेगा एंड उसका प्रिसीजन भी बढ़ेगा। जी जी। फिर आप फिर सवाल उठता है कि जब आपको सब कुछ ही मालूम है कि वो क्रिमिनल्स का साथी कौन है, कौन सी शर्ट पहन रहा है, कभी चश्मा पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है, जब हंसता है तो कैसे हंसता है, जब मुस्कुराता है तो जो है, जब अति आनंद में होता है तो उसका चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होता है, जब क्राइम करने जाता है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें जब आप कैप्चर करने की स्थिति में है तो फिर अपराधी को अपराधी क्यों बना रखना चाहते हो, सो देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। ऐसी पांच सर्टेनिटी है, फिर जो है ना पांच रेवेन्यू स्ट्रीम है, इसमें देयर आर 5 रेवेन्यू स्ट्रीम, जिसमें कैप्चरिंग ऑफ एविडेंस लार्जली विल बी शिफ्टेड टू द पब्लिक। तो अभी जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट जिसको चीज को रोकने के लिए बने हैं उसी के वो प्रसरदाता बन जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जब कैप्चरिंग पब्लिक के हाथ में जाएगी और 50% कंपाउंडिंग फीस पब्लिक के पास पहुंचेगी तो हर कोई अमीर हो जाएगा, शायद गवर्नमेंट के पास इतना मनी पहुंचेगा कि उसे डेवलपमेंट के लिए टैक्सेशन की जरूरत नहीं होगी, राइट? इतना पावरफुल, ये तो अकेला क्राइम फ्री भारत इनिशिएटिव है। देन इट इज हैविंग एग्रो इनिशिएटिव। एग्रो इनिशिएटिव इज अगेन बेस्ड ऑन द ज्वाइंट वेंचर। जी, तो उसमें जो है क्राइम फ्री भारत विल बी हैविंग इट्स ऑन सीएफबी बैलेट, राइट? जी जी। तो क्राइम फ्री भारत इज ट्राइंग टू ओवरकम टू बिगेस्ट हैंडीकैप विच हैज बीन इम्पोज्ड बाय द पब्लिक, जी, बाय अस, बाय ह्यूमन बीइंग। जी। नेचर हैज नॉट क्रिएटेड एनी कॉस्ट, नेचर हैज नॉट क्रिएटेड एनी करेंसी। जी। सो कॉस्ट एंड करेंसी इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। जी, दैट सीएफबी एग्रो मॉडल इज ट्राइंग टू टेक अवे बोथ, सो टू टेक केयर ऑफ द करेंसी इट विल बी हैविंग ए सीएफबी बैलेट, राइट? इट विल बी एज यू आर हैविंग एन नंबर ऑफ बैलेट्स नाउ, जो है ना यू नेम एंड यू देयर इज अ बैलेट, जियो बैलेट, एयरटेल बैलेट, गूगल बैलेट, दिस बैलेट, दैट बैलेट, राइट? जी, सो इट विल द बैलेट विल टेक केयर ऑफ द करेंसी पार्ट ऑफ इट, राइट? एंड कॉस्ट पार्ट इज बींग टेकन अवे बाय द सीएफबी लॉर्ड शिवा। जी, सो टिल दैट इज बींग सेटल्ड द लॉर्ड शिवा इज होल्डिंग दैट कॉस्ट इन हिज नेक। जी, तो जो कहते हैं ना कि अमृत तो उन्होंने बांट दिया, आप आनंद करिए, कॉस्ट को उन्होंने जहर के बतौर अपने गले में समेट लिया है, राइट? विच ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, जिससे इतने पॉइजन ना हो जाए कि उनको वो नीचे पहुंच जाए और वो भी ऊपर पहुंच जाए, तो ऐसा ना हो, इसलिए वो उसको डिसाइसिवली विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटिंग कॉस्ट इन सच ए वे कि इट शुड नॉट हैव द इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर। जी जी। सो मैं बिल्कुल आपके सभी मुद्दों से बहुत प्रभावित हूँ। आयुष मॉडल विच सेज दैट कि मॉर्निंग से आपका योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स चलेगा एंड देन मेडिसिन विल बी द पार्ट ऑफ हेल्दी लिविंग, राइट? जी। तो बीमार क्यों होना चाहते हैं आप? पहले से ही ऐसी चीजें खाइए पीजिए कि जो बीमार वो हो, और देन जो है ना देर विल बी
मेडिसिन इनपुट थ्रू द डाइटरी, तो वो आयुर्वेदाज की चीजें होंगी जो आपको कोई बीमारी होती है तो बीमारी के लिए कौन सा आटा खाना है उस आटे में ही वो चीज मिली रहेगी। जी जी। आप क्या सब्जी खाना है मालूम पड़ा, सब्जी में ही वो जो है ना उसकी दवा मिली हुई है, ठीक है ना। जी जी। सो दैट विदाउट हैविंग ए फीलिंग कि आप दवा खा रहे हैं, दवा भी पहुंच जाएगी तो पहले तो बीमारी नहीं होगी, बीमार होगे तो दैट विल बी हैंडल्ड, राइट। और यदि यदि इसके बाद यदि बड़ी बीमारी हो गई आपको कोई, तो उसके लिए जो है ना एम्बुलेंस सर्विस होगी। और जो मोदी जी ने इतना आयुष का अरेंजमेंट कर दिया है तो वो कैच फ्री जो है उस आयुष मॉडल के तहत उनका यदि ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन भी हो जाएगा। जी जी। सो दैट इज द आयुष मॉडल। देन देयर इज ए ई कॉमर्स मॉडल। बेसिकली हमें पूरा इको सिस्टम कैप्चर करना पड़ेगा। जी। तो आप जो है एग्रो से जो पैदा करेंगे वो इसेंशियली रोटी पार्ट को कवर करेगा, चाहे वो दूध हो, घी हो, शहद हो, वट एवर यू आर क्रिएटिंग, दैट मे बी अमृतुल्य, बट दैट विल बी टेकिंग केयर ऑफ द रोटी पार्ट ऑफ, रोटी कपड़ा मकान में रोटी पार्ट को वो कवर कर रहा है, राइट। मतलब ईटेबल्स को कवर कर रहा है। देन यू नीड क्लोथ्स, देन यू नीड हाउस, देन अभी आजकल आपका उससे भी काम नहीं चलता है, सो देयर इज अ नीड ऑफ एंटरटेनमेंट। बाकी लोग तो आपको जो है ना गंद जो है ना परोस रहे हैं, पोर्नोग्राफी परोस रहे हैं, आप देखिए सीरियल्स में क्या आ रहा है, इलिसिट से डिवाउच करेक्टर्स, कॉन्स्पिरेसी एंड ऑल दोस थिंग्स दे आर कमिंग। जी। सो इट इज देयर इज ए सीएफबी इंफोटेनमेंट ऑल्सो, विच विल ब्रिंग दैट राइट काइंड ऑफ द डिस्कोर्स एंड इन्फॉर्मेशन प्लस इंफोटेनमेंट, so that the Vedic knowledge in a appropriate format should go, which should be part of the entertainment as well. जी। और ये मानना कि entertainment नहीं होता है, the entertainment इससे नहीं होता तो रामायण इतनी popular नहीं होती, अब रामायण का serial चलता था तो कर्फ्यू लग जाता था, right? लोग ट्रेन रोक देते थे स्टेशन पर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसका मतलब है कि हमारा वैल्यू सिस्टम तो वही है। हाँ, ये तो इन्होंने जो है ना कर दिया कि चिपकाए लो तेरी फोटो जो है ना फेविकॉल से, ये फेविकॉल अपने यहाँ अवेलेबल नहीं था, ये साले विदेश से लेके आए हैं। बिल्कुल सही। ये जो है ना इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस का जो फेविकॉल है ये। जी ना। जी। ये जो है ना कोई अच्छी चीज सोच नहीं सकते हैं, कपड़े उतारने से ज्यादा इनको कुछ आता नहीं है, कपड़े फाड़ने से ज्यादा इनको कुछ आता नहीं है, बदन दिखाने से ज्यादा कुछ नहीं आता है, डेवाउच करेक्टर से लेके कुछ नहीं आता है इनको। लिंगरी का जो ना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पैंटीज का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इससे ज्यादा इनको कुछ आता नहीं है। जी जी। बिना 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 एडवर्टाइजमेंट के लिंगरीज और ये सब नहीं खरीदा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। वो कहां था, यहाँ तो टैबू होता था कि जो है ना बच्चा या जो है ना महिलाएं खरीदने जा रही हैं तो दे विल नॉट डिस्कस इट। जी जी। दे विल जस्ट परचेज इट। जी जी। तो सर मैं ये चाहूंगा कि जब आपका झांसी आना हो तो दतिया और झांसी के बीच में मैंने एक इंस्टीट्यूट इसी प्रकार का ही बनाया है और काम लगा हुआ है, और उसमें हमारे काम करो। देखो बेसिकली क्या है कि हम आते जाते तो रहेंगे, दैट इज नॉट ए बिग डील, ठीक है सर। जी सर। हम ये चाहेंगे कि आप जो है अपनी चीजों को कवर करते हुए एक प्रेजेंटेशन टाइप का दो, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन हम जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ठीक है ना। आप अपनी ईमेल आईडी मुझसे शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। जी सर। देखो बेसिकली अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इस मॉडल में हम ज्वाइंट वेंचर लेके आ रहे हैं। वी आर सेइंग कि हम जो इंडस्ट्रीज में जो आज इक्विपमेंट है उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनमें आईओटी डिवाइसेस लगाएंगे, सेंसर लगाएंगे, जिससे कि कोई गड़बड़ ना करना कर पाए। बेसिकली हमारा वैल्यू सिस्टम इतना खराब हो गया है कि ईमानदार वही है जो करप्शन का जिससे स्कोप नहीं है, जिसको जब मौका मिलता है वो गच्चा खोल रहा है। कोई देवता नहीं है, ना किसान देवता है, ना गाय वाला देवता है, ना कोई देवता नहीं, सब साले राक्षस बने हुए हैं। वो हार्मोनल इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, मिट्टी भी मिला रहे हैं, कोई लीड मिला रहा है साले, वो भी गधे की, अब तो घोड़े की भी नहीं मिलाते हैं दोस्त लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सो जिसको जहां कचरा करने का मौका मिल रहा है वो कचरा कर रहा है। हम में से कोई देवता नहीं बचा है, ना किसान देवता है, ना वो दूध देने वाला देवता है, सब राक्षस हो रहे हैं। कोई जो ना केमिकल से दूध बना रहा है, कोई किसी से बना रहा है, कोई किसी से बना रहा है। और देखिए आप जितना मिल्क पैदा कर रहे हैं उसका 1/3 मिल्क ही पैदा हो रहा है, सही। 2/3 मिल्क जो है ना केमिकल से आ रहा है। हाँ, तो दो गाय भैंसे से काम नहीं चलेगा। अब हम जो है ना 100 गाय भैंसे रखेंगे, 200 गाय भैंसे रखेंगे और अपने लिए दूध नहीं बनाएंगे। जो विदेश में हमारे जो वसुंधरा कुटुंबम है उनके लिए हम मिल्क रूपी जो है पाउडर बना के या प्रोसेस करके वी विल सेंड अमृत टू देम आल्सो। जी। अमृत अकेले थोड़ी खाएंगे, अमृत मिलवा के खाएंगे। बात है, बिल्कुल सही कहा।
तो वो जो है वी हैव टू रियली थिंक डिफरेंटली। जी जी, हमें इसे अबंडेंस में लाना है, इसमें एक्वा कल्चर है, तो पानी का लेवल जो अभी 200 फीट 400 फीट चला गया है वो 8 फीट पे आ जाना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल सही। आप जो है ना एक्वा कल्चर में नीचे प्लास्टिक सीट लगाते हैं, पानी नीचे ना जाए, हम वहां उल्टे डीप रूट वाले जो है ना प्लांट्स लगाएंगे जिससे पानी अंदर चला जाए। जी राइट, बिल्कुल सही कहा। तो आपने यू आर टॉकिंग टू वेरी राइट पर्सन जो कि पूरा मॉडल को साथ में लेके आ रहा है। अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल लिखो, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे। तो आपको मेरा फोटो शायद, और आपको बहुत सारी चीजें, 300 से ज्यादा वीडियो पड़े हुए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ जैसे जो जो बात हमने ये नियम बनाया है, जो हम बात करेंगे वो प्राइवेसी में नहीं करेंगे, ठीक है ना? जैसे अभी हमारी आपकी बात हो रही है, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, राइट? इट विल गो इन क्राइम फ्री भारत। हमने क्या चर्चा की लोगों को मालूम होना चाहिए ना। हेलो, क्योंकि देखिए अदरवाइज हमने आपसे कहा एनर्जी विल वैनिश बिटवीन 2%, राइट? नाउ दिस एनर्जी को कोई भी सुनेगा, दो लोग, चार लोग, छह लोग, जिसको अच्छा लग गया वो लाइक माइंडेड, अल्टीमेटली समबडी सेड गिवन माय नेम टू यू ना। जी, क्यों दिया उसने? नहीं, ठीक बात है, जिसने दिया है, मैं कई दिन से सोच रहा था, मैं आज जो मैंने आपको कॉल लगाई और मैं आपसे ही बात करना चाह रहा था। एक्चुअल क्या है कि हमने यही बात, माने हमारे झांसी यूपी के जो मुकुल गोयल जी है, मैंने उनसे यही बात की, वो उनके मैं निवास पे गया था, उनकी धर्मपत्नी थी। मैंने कहा बहन जी आप थोड़ा सा यदि महिलाओं को इस तरफ मोड़ेंगे और जो भी देखो श्याम बिहारी, इसमें वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने एक प्लेज ली है, ना तो हम ज्ञान बांटेंगे और ना ही हम जो है अवेयरनेस बांटेंगे। जी जी, क्योंकि हम सभी लोग या तो फ्लैट सरफेस हैं या हम लोग बड़े पात्र हैं। जो बड़े पात्र हैं उनके साथ मुसीबत यह है कि दे आर ओवरफ्लोइंग विद द नॉलेज, राइट? तो उन्हें आपका ज्ञान असिमुलेट करने की उनमें छा को क्षमता नहीं है, राइट? तो तीसरी उनको प्रॉब्लम वो भी है कि आपकी सफेद शर्ट मुझसे सफेद कैसे, राइट? तो वो ये सोचने की बजाय कह रही है हाँ यार ये भी सोच रहा है, दिस इज गुड आइडिया, लेट्स ज्वाइन इट, वो आपकी चीज में फॉल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फॉल्ट निकाले विद द गुड इंटेंशन इट इज गुड, कहते हैं निंदक नेरे राखिए, राइट? लेकिन यदि आप फॉल्ट निकाल रहे हैं टू क्रिटिसाइज, टू डिमिनिश, टू डिसअप्रूव एंड इट शुड नॉट गो फर्दर, तो देन इट इज ए बैड थिंग। तो इन तीन कारणों से वी आर ऑफ द व्यू कि इसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करो, राइट? धन बांटो ना। हेलो, जो बात कही है फिर आपने जो बात कही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ सर। क्योंकि देखिए आप ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान में वो तर्क वितर्क करेगा, आप प्रोडक्ट बांटोगे तो प्रोडक्ट को उपयोग करेगा वो। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो यदि आपने जो है उसको एक मॉडल दिया कि आप ज्वाइंट वेंचर बनाइए, राइट? हम आपको जो है 1 MSP जो है फ्री फ्रॉम कॉस्ट दूंगा, तो वो 80% उसकी कॉस्ट लग जाती है, वो भी जो है ना वो पॉइजन डाल रहा है, राइट? अब आप ये कह रहे हैं कि वो कॉस्ट जो भी आएगी, एक तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह होना चाहिए, जब केमिकल के लिए सब्सिडी मिल रही है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी क्यों नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू जो है इट विल बी लोडेड, देयर आर द 3 डिफरेंट अकाउंट। एक अकाउंट है एसेट पॉइंट, राइट? तो आपका खेत की जो वैल्यू है दैट विल बिकम योर एसेट पॉइंट, राइट? अब हमने उसमें एक गौशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर डाला तो वो एसेट जुड़ गई, उसमें एसेट पॉइंट उसमें जुड़ गए। अब उसमें हमने गायें डालनी तो गायें का जुड़ जाएगा, हमने उसमें पेड़ लगाए तो पेड़ की वैल्यू भी उसमें जुड़ जाएगी। सो एसेट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? सीएमबी वैलेट जो है ना कुड क्रिएट द करेंसी विच इज इक्विवेलेंट टू द ऑल एसेट पॉइंट्स, जो वो कभी क्रिएट नहीं करेगी, राइट? जी जी सर जी। देन जो है उसमें देयर इज 1 MSP अकाउंट, दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस अकाउंट, राइट? उसको हमने कहा कि हम उस पर कोई कॉस्ट ही लोड नहीं करेंगे। हाँ, तो आप जो है ना चाहे वो जोत रहे हो, चाहे उसमें खाद डाल रहे हो, चाहे उसमें गड्ढे खोद रहे हो, इसके लिए जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा एंड पीपल विल दे विल बी टीम टू डू द जॉब विद द लीस्ट मैनुअल एफर्ट। जी सर, क्योंकि ये शरीर जो है बहुत मेहनत के लिए नहीं बनाया गया, इसको स्पिरिचुअल कामों के लिए बनाया गया है। तो हर कोई यदि अपने लिए थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल चीजों के लिए अपने उसके लिए थोड़ा समय निकाले, इस बाहर चीज से बाहर निकल के, दैट इज द पर्पज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, राइट? बिल्कुल। तो वो गड्ढा खोदने में एनर्जी क्यों खर्च करे? यदि मान लो वो गड्ढा का जो है ना खोदने की मशीन जो है ना वहां ले जाके गड्ढा स्मार्टली खोद सकता है तो क्यों ना करना चाहिए वैसे। बिल्कुल सही, आई मीन समथिंग लाइक दैट। तो इसमें जो है
तीन तरीके के तो पेड़ रहेंगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड देन ऑर्डर प्लांट्स। ऑर्डर मतलब बड़े बड़े पेड़ रहेंगे। अब अपन जो है ना गायों का इनका आश्चर्य की बात नहीं करेंगे, वी विल गेट इट फ्रॉम द ट्रीज। जी सर। उसके नीचे जो है ना चीजें रहेंगी, मेडिसिनल चीजें रहेंगी, उनको साथ में जो है ना वो दिया जाएगा। तो इस तरीके से उनकी फीड जो है दैट विल बी ऑर्गेनिक। अभी तो जो फीड दे रहे हैं वो ऑल्सो जो है ना वो केमिकल रिच और पॉइजनस है। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है ना। तो ये फीड क्यों मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो आपका दूध जो है ना तब तक पूरी तरह से वो नहीं होगा जब तक अकेला, जब तक इट इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम केमिकल्स। एंड देन केमिकल्स को हमें केवल खेतों में दूर नहीं करना पड़ेगा, हमें घरों में भी दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो जो आपके मसाले वसाले मिक्सर विक्सर ये बाथरूम में जो प्रसारण है, दे हैव टू बी चेंज्ड। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, अब नाउ जो है हम पुराने जैसे उसमें नहीं कर सकते हैं। तो दीज प्रसाधन जो है ना कैन बी मेड फ्रॉम द बायो सोर्स, फ्रॉम द आयुर्वेदा सोर्स। एंड अभी अब तो ये लोग भी मजबूर हो ही रहे हैं कि इसमें एलोवेरा है, हल्दी है, नमक है। आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो आप हाँ, जो है ना आगे चल के तुमकी दुकान ही नहीं चलेगी। हाँ, नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना। सो सर बिल्कुल दीज प्रोडक्ट जो है ना, चाहे साबुन हो चाहे वो हो, अभी तो स्थिति ये है कि इन्होंने स्किन इतनी खराब कर दी है कि यदि मान लो जो है वो यदि मेकअप ना करे तो महिला जो भूतनी दिखाई देंगे। सही बात है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उन्होंने अच्छा नहीं किया, बुरा किया है। और किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, तो हम लोग ठीक से रिसर्च नहीं कर रहे हैं। नहीं तो एरोमेटिक जो है ना, आयुर्वेदिक के एरोमेटिक जैसे को आप यदि लगा लो तो सुगंधी सुगंध हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक सर, वी हैव टू मेक ए होलिस्टिक अटेम्प्ट विद द फुल इकोसिस्टम। जी सर, जी, जिसमें जो है ना आपको रिटेलर और वो सब चीजें रहेंगी, उनके घर बनने के लिए कैन बी हैव ए गुड आयुर्वेदिक काइंड ऑफ ए मॉडल, जैसे कि हमारा घर ग्रीन और ब्रीदिंग वाला हो। जी सर, उसके ऊपर जो है सेट के साथ साथ और सभी एमिनिटीज हो। मतलब यू डोंट देखो नाउ वी हैव टू देखिए, हर काल और समय के हिसाब से विज्ञान बदलना चाहिए। तो एक्सपेक्टिंग के आप वो ऋषियों जैसे रहेंगे तो ऋषियों जैसे रहें और नए मॉडर्न चीजें भी अवेलेबल रहें। अच्छा, उससे फायदा रहेगा कि दैट विल हेल्प यू टू फर्दर एक्सप्लॉइट इट। आपका जो एक्सक्रीटा निकल रहा है दैट कैन कन्वर्ट इट इनटू द मीथेन, इथेन एंड मैन्योर, वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जी सर, जी सर, मतलब दैट विल बिकम ए फुल साइकिल। जी सर, जी सर, गेटिंग माय पॉइंट। बिल्कुल सर, मैं आपके बात से सहमत हूँ। तो हम आपको जो है आई वुड लाइक कि हम आपको 12 तारीख को समय देंगे, ठीक है ना। ठीक सर, तब तक आप अपनी ईमेल आईडी मुझे भेज देता हूँ, मैं आपको जो है ना अपने एग्रो मिशन से जोड़ दूंगा, ठीक है सर। फिर आपके यहाँ पे हम आएंगे भी। और देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तुमने गाँव में कुछ कर लिया उससे काम नहीं चलेगा। भारत को बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना है हमें, हमें पूरे बहुत मैक्रो मॉडल पे जाना पड़ेगा। और चूंकि देखिए कंसीव आप कर रहे हो, आइडिया आपका है, मैकेनिज्म आप बना रहे हैं, वैलेट आप बना रहे हैं, तो कहीं दिक्कत आएगी तो उसका समाधान निकाल लेंगे। नहीं नहीं, निकलेगा सर, जब आगे बढ़ते हैं तो सब समाधान निकलते हैं सर। घर में बैठे रहते हैं तो समाधान नहीं होता, आगे बढ़ेंगे तो सारे समाधान निकलते चले जाते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली जो मॉडल रखा है वो LIC का मॉडल रखा है। जी सर, मतलब जो है ओपिनियन लीडर, थिंक लीडर, दे विल बी द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर काइंड ऑफ द पीपल। देयर जॉब वुड बी टू गो एंड क्रिएट जो है टीम राइट अप टू विलेज लेवल, और विलेज वाले जो है ना जाए और गांव वालों को जो है पूरी चीज समझाएं और लीगल ज्वाइंट वेंचर बनाएं। नहीं, मैं आपके बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ सर। और जो आपने सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें हूँ कि जो आपने LIC मॉडल की बातचीत की है, तो ये सबसे बड़ी बात आपने कही है। बिना देखिए मॉडल आप रीच आउट कैसे करोगे? हाँ बिल्कुल सही, टीम कहाँ से बनेगी? मतलब बेसिकली आपको तो हर गांव हर वहां पे पहुंचना है, तो हाँ। इसका मतलब है कि लाखों लोग लगेंगे तब जो है ना आप हर गांव तक पहुंच पाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल ना। तो वो लाखों लोग जो है ना 24 घंटे लगेंगे, अच्छा उनको LIC मॉडल पे जो है ना पैसा भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे वो प्रीमियम का वो मिलता है ऐसे इनको मिलेगा। तो हमने वो तो एक आई डोंट नो, अभी आप देखेंगे एक प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट है, हमने इसमें एलाबोरेट किया है कि हम कैसे। मैं सर अब मेल आईडी भेजता हूँ सर, हमें अपनी, और सर मैं फिर 12 तारीख को आपसे डिस्कस करता हूँ। राइट, तब तक क्राइम फ्री भारत के आप जो है ना वो वीडियो मैं सब देखता हूँ, मैं सब सब चीजों को देखता हूँ। चलिए, ओके ओके, राइट, थैंक यू, नमस्कार।